किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, ना के पाठक जब अंग्रेज से नहीं डरा, जब मुगल से नहीं डरा, जब यूरोप से नहीं डरा, तो नरेंद्र मोदी या के पाठक या पप्पू यादव की क्या औकात है। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए। इसलिए के पाठक जी से कोई नहीं डरता। क्या के पाठक से शिक्षक डर गए हैं? के पाठक से शिक्षक डर गए? सर, इस देश में किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, ना के पाठक जब अंग्रेज से नहीं डरा, जब मुगल से नहीं डरा, जब यूरोप से नहीं डरा, तो नरेंद्र मोदी या के पाठक या पप्पू यादव की क्या औकात है। हम डरते हैं भारत की संस्कृति से, सामाजिकता से, रिश्ते से, संविधान से, कानून से। के पाठक जी जैसे लोग हमेशा कानून के दायरे में रह करके बहुत काम किया जा सकता है। हम कानून के दायरे में रह करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति के लिए ठैठ ठैं। जो 3 बार शूटर है उसको जो चैलेंज होगा, जो गोली चलाएगा वो मरेगा। बिना गोली चलाए और बिना चैलेंज सरेंडर करने के बाद भी मारना, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए के पाठक जी से कोई नहीं डरता। के पाठक जी चुनाव आयोग TN सेशन भी अच्छे आदमी थे, हमेशा कुर्सी और कानून से डरता है। टीचर कभी भी स्कूल से भागना नहीं चाहता। जब उनकी जिम्मेदारी 10 से 4 है तो टीचर कैसे भागेंगे। टीचर को आपने ही भ्रष्ट बनाने का प्रयास किया सिस्टम ने। उनको चावल रोटी दे दिया, ईटा बनाने के लिए घर दे दिया। टीचर को आपने ही चुनाव में लगा दिया, अन कामों में लगा दिया। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए।